भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए, बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं, बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए, तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं, और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है, और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। जायफल है, उसको उस घी में हम थोड़ा सा पीस करके और उसको मिला सकते हैं, तो उससे संस्कृत घी हो जाता है, क्योंकि यज्ञ के लिए विशेष रूप से संस्कृत घी का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत करके भी प्रयोग ले सकते हैं। अब हम जल प्रसेचन करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, पूर्वाभिमुख होकर के यजमान बैठता है पश्चिम दिशा में, तो अब हम पूर्व दिशा में दाई साइड से बाई साइड की ओर हम मंत्रोच्चारण पूर्वक जल प्रसेचन करेंगे। ॐ अदितेनुमन्यस्व, ॐ अनुमतेनुमन्यस्व, ॐ सरस्वत्येनुमन्यस्व, ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय, दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में पूर्व कोण से शुरुआत करके पूर्व कोण तक फिर से वापस जल को लाते हैं, ऐसे चारों दिशाओं में जल प्रसेचन करके, और पूर्व कोण के ऊपर ही कलश को और दीपक को रख देते हैं, और आचमन पात्र को भी अब हम साइड में रख देते हैं। इस प्रकार से कपूर माचिस बाती जिसका कार्य हो चुका उसको हम साइड में कर दे, और हाथ को अच्छे से पोंछ करके अब हम जो मुख्य आहुतियाँ जो यज्ञ की शुरुआत है वो यहाँ जल सिंचन से होती हैं। तो अब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं। पहले आघारा वाज्य भाग आहुति हम प्रदान करते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा में ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अपनी ओर से जो यजमान पूर्वाभिमुख होकर के बैठा है वो अपनी ओर से धारा बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर ले जाएंगे, और उत्तर दिशा की ओर जो वेदी के मध्य में संविधा है उसके ऊपर धारा बनाते हुए, पर इससे विपरीत जस्ट बाईं साइड में दक्षिण दिशा में ओम सोमाय स्वाहा। इसमें भी इसी प्रकार यजमान अपनी ओर से संविधा के ऊपर धारा बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर ले जाते हैं। और आगे की दो आहुतियां ओम प्रजापतये स्वाहा। वेदी के मध्य में अब हम दो आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा।
इदम इंद्राय इदं नमः। ये चार आहुतियाँ जब तक हम प्रदान करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यह अग्नि बहुत अच्छी प्रकार से तेज हो जाती हैं, जो सामग्री आदि को जलाने के लिए या उसके दहन के लिए या उसका सूक्ष्मीकरण के लिए या उसके विखंडन के लिए जो अग्नि की हमें अपेक्षा होती, आवश्यकता होती, उस अवस्था में आ जाती है। अब हम घृत की आहुति के साथ साथ सामग्री की भी आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। इस प्रकार से ये प्रातःकालीन, फिर सायंकालीन, और जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो यदि हम अधिक लोग वेदी के साथ बैठे हैं तो हमारा एक हाथ खाली होता है, तो खाली हाथ को हमें ऐसे ही कोई हाथ रखते हैं या अन्य अन्य मुद्रा हो रहे, कोई एक ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, या कोई एक मुद्रा विशेष में अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए हमें इस यज्ञ को करना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरी आहुति हम मंत्र को मन ही मन बोलते हुए, मन ही मन उच्चारण करते हुए, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन चार मंत्र की आहुतियां हो गई। अब हम उभयकालीन पांच मंत्र, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। यह उभयकालीन पांच आहुतियां समापन। अब मेधा की कामना के लिए या मेधाम संपूर्ण दूरितों को दूर करने और शुभ की प्राप्ति के लिए विश्वानी देव और सुपथ के लिए अग्नि नय सुपथ हराय आदि मंत्रों की भी हम अपनी आवश्यकता आदि के आधार पर हम इन मंत्रों की भी हम आहुति दे सकते हैं। ओम या मेधाम देवगण पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह तीन मंत्र हमने विशेष रूप से उच्चारण किए।
या मेधा, विशेष मेधा की प्राप्ति के लिए, विश्वानी देव दूरितों को दूर करने के लिए और अग्नि नहीं सुपथा रहे सुपथ की ओर जाने के लिए। अब गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया है, और जिस मंत्र के उच्चारण करने से हमारा तन मन प्राण और पर्यावरण भी उसे प्रभावित होता है। ऐसे गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि इस दैनिक अग्निहोत्र को अधिक यदि करने की इच्छा हो तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाए, अंतिम में स्वाहा शब्द बोलते हुए हम करते जाए। और जिनको ये पूरी विधि नहीं आती है, सारे मंत्र नहीं आते, तब भी आप यदि नए जुड़ रहे हैं तो शुरुआत में भी आप केवल गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए भी इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यह हमने तीन गायत्री मंत्र से आहुति दी, और अंतिम में जब भी हम पूर्ण आहुति करते हैं, चाहे वह दैनिक यज्ञ की जो 16 आहुति उसके अंतर्गत भी ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा तीन आहुति गिनी जाती हैं, और इससे अतिरिक्त यदि हम गायत्री मंत्र से भी करें तो अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से तीन आहुतियां देते हुए हम इसका समापन करते हैं, और सबसे हमारा यज्ञ यहाँ पे समापन हो जाता है। इसके बाद ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोसि ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि। इस प्रकार से अग्नि देवता से, यज्ञ देव से ओज, तेज, बल, पराक्रम आदि की कामना करते हुए हम इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, तथा इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व की शुभ के लिए, संपूर्ण विश्व मंगल की कामना के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाद् भवेत्। इस प्रकार से अंतिम में छोटी सी कोई भी प्रार्थना, यदि आपके पास समय है तो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, या इससे अतिरिक्त और भी जो यज्ञ से संबंधित कोई प्रार्थना है या अन्य जो प्रार्थनाएं हैं, भजन है, उसको आप अवश्य कर सकते हैं। और यज्ञ के बाद हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय, चाहे वह वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, या हमारे जो भी वैदिक शास्त्र हैं, उनका हम स्वाध्याय करें, एक पेज, दो पेज, एक मंत्र, दो मंत्र, एक श्लोक, दो श्लोक, पांच श्लोक, जो श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के, रामायण से लेकर के, जो भी हमें उपनिषद आदि हैं, उसमें से जो हमें अधिक रुचिकर लगता है, कोई भी शास्त्र का हमें एक श्लोक, दो श्लोक, या फिर एक पेज, दो पेज, जो भी आवश्यकता के अनुसार हमें स्वाध्याय करना चाहिए, या फिर साधु, संत, सन्यासी, महर्षि, योगी जन, जो त्यागी हैं, समाज सेवी हैं, उनके श्रीमुख से भी हम इस उपदेश के रूप में विद्या को हम ग्रहण करें। यह एक पूरा क्रम है।
तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ को संपन्न करना होता है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, कम से कम समय है, तब भी आज तो हमने बहुत पूरी विधि पूर्वक पूरा लंबा यज्ञ किया। आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कम से कम समय है तब भी हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं, कैसे हम यज्ञ को करें। उसके लिए छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी संविधा लगा करके और गायत्री मंत्र से ही हम 5 आहुति 7 आहुति 21 आहुति 51 आहुति 108 आहुति जो भी समय के अनुसार प्रदान करके और अंतिम में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाद् भवति, इस प्रार्थना को करते हुए हम समापन कर सकते हैं। अंतिम में सीधा बैठ करके ओम शांति 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 ही, इस प्रकार से 3 बार शांति 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 बोलते हुए हम इस यज्ञ का समापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन यज्ञ को करना होता है और इस यज्ञ को करने के लिए हमारे शास्त्रों ने तो हमें बहुत कुछ बताया। कल भी आपके सामने आचार्य चाणक्य जी का रखा था, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के विषय में रखा था, इसी प्रकार से आचार्य शंकराचार्य जी ने जो बताया उसके विषय में भी रखा था, और भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया था। अब मैं कुछ ऐसी तथ्यात्मक जानकारी जो यज्ञ से संबंधित नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है या हमें पता होना चाहिए, यदि हम हर रोज यज्ञ करते हैं तो इसे कैसे लाभ मिलता है, कैसे हम इसमें क्या क्या चीज़ों का जो प्रयोग ले रहे हैं उसकी क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से वो हमें लाभ प्रदान कर सकता है या करता है, इस विषय में आप सबके सामने कुछ सामान्य बातें तथ्यात्मक बातें रखना चाहेंगे। हमने यह यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ में एक मुख्य तत्व अग्नि का हम प्रयोग करते हैं, मुख्य तत्व अग्नि होती है, अग्नि की साक्षी में सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व या घटक मंत्र होता है। मंत्र मननात त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से, जिसका चिंतन करने से हमें तार देता है उसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र कई सारे प्रकार के जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया, हमारे शास्त्रों में कहा जन्म से एक तो सिद्धि मिलती, औषधि से भी सिद्धि मिलती, मंत्र से भी हमें सिद्धि मिलती है। जो भी हम अपने जीवन में शुभ सुख शांति समृद्धि या जो भी चीजें चाहते हैं, जो भी सिद्धि चाहते हैं, उसमें मंत्र भी एक सिद्धि का एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है। मंत्र के विषय में यदि आधुनिक साइंस को भी देखें, मंत्र के विषय में हमारी ऋषियों की दृष्टि भी देखें तो बहुत गहरी है। तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावस्य व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनुस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्य, जो योग दर्शन में बताया गया ओंकार का जप, तज्जपस तदर्थ अर्थ भावना पूर्वक यदि हम जप करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, उससे हमारा चित्त निर्मल होता है, मन एकाग्र होता है, हम प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की नजदीक हम जाते हैं। अर्थात एक रूप से हम देखें तो मंत्र उस देवीय शक्तियों के साथ, ईश्वरीय शक्तियों के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा माध्यम, एक सबसे बड़ा उपाय है, दिव्य शक्तियों से, देवीय शक्तियों से जुड़ने का। मंत्र के कई सारे जो कार्य हैं उसमें से एक तो उसका अर्थ और उस अर्थ का चिंतन अर्थ भावना पूर्वक करना, तो उससे विशेष रूप से हमें मानस लाभ प्राप्त होगा, हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा। और कहते हैं ना, मन तो सबके पास है लेकिन मनोबल नहीं होता है सबके पास। जो व्यक्ति मंत्र उपासक होता है उसके पास मनोबल भी आता है। इसी प्रकार से मंत्र एक ध्वनि विशेष को छोड़ते हैं, यदि हम आधुनिक साइंस की भाषा में बोले तो 110 हर्ज की एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी, गायत्री मंत्र आदि का मंत्रों का उच्चारण करते तो एक विशेष फ्रीक्वेंसी उससे बनती है। उस फ्रीक्वेंसी वाले वायुमंडल में जब हम रहते हैं या उस स्थान पे जब हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो ऊतक है वो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। एक डॉक्टर रमा करके अमेरिका में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने विशेष रूप से इस गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च करना चाहा और उन्होंने रिसर्च करके बताया
कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते तो हमारे सामने रखा हुआ हथेली में जल है, ग्लास में जल है, लोटे में जल है, हमने जो भी जल सामने रखा और एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, उसकी दृष्टि में रखते हैं और अब भावना संप्रेषित करते हैं उस भावना की, उस पानी के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें पूरी तरह से चेंज आ जाता है, पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है, रूपांतरण आ जाता है। और हमारे वैदिक शास्त्र में, वैदिक दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर के मंत्रों का प्रयोग, पुना का एक केस आया कि सातवें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, सुस्त छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए, 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माता जी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया, आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है, रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनती हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।